रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचने के बाद राजौरी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां रक्षा मंत्री शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जम्मू पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां से राजौरी के लिए रवानगी, और यहां पहुंचकर रक्षा मंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जम्मू से राजौरी के लिए रवानगी हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। अब से कुछ देर पहले जब जम्मू पहुंचे उसकी तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है, और यहां से राजौरी के लिए रवानगी हो चुकी है, और राजौरी पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद जांबाज जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तस्वीरें आ रही हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंच जाएंगे राजौरी, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं देहरादून के जो जिन दो जाबाजों को हमने खो दिया, उत्तराखंड के जिन दो जाबाजों को हमने खो दिया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे यहाँ पर गणमान्य लोग सभी। आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, और उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं। और पहली तस्वीर आपके सामने, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचने के बाद वहां से राजौरी के लिए रवाना हो चुके हैं, और राजौरी पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जाबाजों को अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और रजत वोरा इस वक्त हमारे साथ हैं। रजत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम दर्शन पाने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कितनी देर में राजौरी पहुंच जाएंगे माननीय? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो जम्मू से निकल चुके हैं, और कुछ ही समय में अब वो जम्मू के राजौरी में पहुंचेंगे, जहां पर कंडी इलाके में ये लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अभी भी लगातार आपको बता दें तो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है इन्हीं जंगलों में। जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार कल से ही चल रहा है, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है वो बड़ी कामयाबी आज सुबह हाथ लगी है, जिसमें कि एक आतंकी को मार गिराया गया है और एक जो है वो इंजर्ड है, और उसके अलावा सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। जंगल का इलाका और पहाड़ी इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ देर पहले भारी बारिश और ओलावृष्टि भी यहां पर हुई है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो और तेज कर दिया गया है, सुरक्षा बल जो है वो और बढ़ाए गए हैं, और साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे और इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर जम्मू और बाकी आला अधिकारी भी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और इस पूरे हालातों का जायजा लेंगे। और साफ तौर पर जिस तरह से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में G20 से पहले हालात हैं और किस तरह से सुरक्षित तरीके से हर एक जो कार्यक्रम है वो जम्मू कश्मीर में हो पाए। रक्षा मंत्री पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले जम्मू, जम्मू से राजौरी के लिए रवानगी हो चुकी है, और राजौरी के विजुअल्स आपको रजत की रिपोर्ट से हम दिखा रहे थे किस तरीके से ये लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ और इनपुट्स के लिए रजत लौटेंगे आपके पास। बारामूला से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बताएं बारामूला का कुंजर इलाका, यहां से खबर है आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। तीन बड़ी तस्वीरें आपके सामने, आपको बताएं इसके बाद से आज सुबह सेना जम्मू कश्मीर की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। पहली तस्वीर, बारामूला में एनकाउंटर हुआ, एक आतंकवादी ढेर हुआ, सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी, लगातार आतंकियों की तलाश तेजी के साथ चल रही है। कल राजौरी में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, 5 जांबाज जवानों को देश ने खो दिया था, हमारे 5 जांबाज जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से लगातार इलाके भर में जो ज्वाइंट ऑपरेशंस हैं, जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। फिलहाल जानकारी हम आपको बारामूला की दे रहे हैं किस तरीके से वहां पर एक आतंकवादी ढेर हुआ। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ में इस एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक आतंकवादी ढेर हो गया है, आतंकियों की तलाश में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी लगातार। ग्राउंड रिपोर्ट जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। चूंकि मौसम भी राजौरी में खराब है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, लिहाजा सर्च ऑपरेशंस में इस ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से थोड़ी चुनौतियां जरूर हैं आर्म्ड फोर्सेस के सामने, लेकिन
तेजी के साथ जो पूरा सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार हो रहा है। जी न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से पल पल की अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहा है। आतंकियों की तलाश में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी लगातार। इससे पहले हमने आपको विजुअल दिखाया बुलेटिन की शुरुआत में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे उसके बाद वहां से राजौरी के लिए रवाना हो गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम राजौरी चलते हैं सीधे। रजत वोरा वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। रजत, आप विजुअल्स भी दिखा रहे थे, चूंकि मौसम भी चुनौती है, चूंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो भी चुनौती है, लिहाजा जो ज्वाइंट ऑपरेशंस आर्म्ड फोर्सेस के चल रहे हैं उसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन लगातार हम देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से यहाँ पर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनको शुरुआती सफलता मिल चुकी है, आतंकी ढेर हो चुका है। जी बिल्कुल, लगातार एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है और उसके बाद से लेकर ही सुरक्षा बलों को और भी अंदेशा है कि एक से लेकर दो आतंकी और भी जो हैं वो इसी एरिया में छुपे बैठे हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार इन इलाकों में जो खोज है वो की जा रही है उन आतंकियों की जिन्होंने कल इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद से लेकर इस एनकाउंटर में जिसे ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम दिया गया है उसमें बड़ी डेवलपमेंट आज सुबह ही हुई जब एक आतंकी को मार गिराया गया। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगातार जो है वो केंद्र डिफेंस मिनिस्टर जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, इसके अलावा मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कई सारे सीनियर अधिकारी बिल्कुल पहुंच रहे हैं। रजत वोरा, हम लौटेंगे आपके पास कुछ और इनपुट्स के लिए। इस बीच आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट जारी है।